अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपको भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। वैसे मैं पहले वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं। जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं वो उन्होंने शायद कन्फर्म नहीं कर रहा, शायद मुझे देखा हो अदील गोंदल के नेम से ना। तो बेसिकली ये मैंने चैनल बनाया है, मैंने कुछ रखे हुए हैं बर्ड्स ना। तो आजकल वो जैसे शहर में देहात हो गया और इंजी और इब्राहिम जो हैं भाई, मैं जनवन बात करता हूँ उनसे इंस्पायर हो के बनाया मैंने चैनल। तो अब देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। और मुझे यकीन करें YouTube व्लॉगिंग के बारे में कख भी नहीं पता, ये सच्ची सच्ची बातें हैं ना। तो अभी स्टार्ट किया है, देखें आगे अल्लाह खैर करेगा। सारे ही जो मेहनत करता है वो ऊपर जाते जाता है, इसलिए यकीन होना चाहिए अल्लाह पे। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना बात को। पहला चैनल है ना, समझा करें। और लाइक फॉलो सब्सक्राइब जो होता है वो भी कर देना है। तो बाकी आपको मैं बताता हूँ कि मेरे पास कौन से बर्ड्स हैं। और पहले काफ़ी रखे हुए थे लेकिन उनमें से, ये सर्दियों का मौसम है जैसे आपको पता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ये बर्ड्स वगैरह ना संभालना। केयर तो अपनी तरफ से पूरी करते हैं लेकिन बस अल्लाह की मर्ज़ी होती है जिस चीज़ में। कुछ बच गए हैं और कुछ जो हैं वो लगे गए हैं, और जो बच गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी अपना छोटा सा सेटअप। तो आपको बता दूँ इसमें है अभी कुछ भी नहीं, वो जो है उसमें मैंने अपने परिंदे वगैरह रखे हुए हैं। और ये मुर्गियाँ आपको नज़र आ रही होंगी वाइट, ये मैं ले कर आया था बेसिकली जो कारोबार के लिए, समझ रहे हैं ना, बिज़नेस। ये पूरी जगह जो बनाई थी ना ये इनके लिए बनाई थी, इन मुर्गियों के लिए। ये मैं स्टार्ट में 200 ले कर आया था लेकिन ये आपके सामने ये रह गई हैं, 11-12 रह गई हैं बस। जगह की सफाई तो आपको नज़र आ ही रही होगी, ये इंशाल्लाह बाद में सेटिंग करेंगे। ये पूरी जगह जो है ना ये आपको नज़र आ रही होगी, ये तकरीबन बनती है, अब पंजाबी में हमारी विघा कहते हैं इसे, और कनाल पता नहीं, हाँ तकरीबन 4 कनाल ये जगह है। तो इसको इंशाल्लाह बनाएंगे पूरा, इसको सेटिंग करेंगे। ये अपने आगे जी बर्ड्स, ये ताला है जी इसका, एक मिनट ताला खोल के आपको दिखाता हूँ। और अफसोस के साथ चाबी मैं घर भूल आया हूँ, और जल्दी में आया था मुझे पता नहीं चला चाबियां मैं घर भूल आया हूँ। मैं एक मिनट बस चाबियां लेके आया। ये है जी हमारा गार्ड डॉग, ये मैंने नहीं देखा हुआ, तो ये खुद ही आ गया था, पता नहीं कहाँ से आया। मैंने रखा हुआ था पहले लैब्राडोर स्मोक नाम था उसका, वो मैंने दोस्त को दे दिया। तो ये बाबे को क्या हो गया, तो ये उसके साथ ही कहीं ना, हाँ उसके साथ ही ये खेलता खेलता कहीं आ गया। तो वो मैं सब चाबियाँ लेने आया था, मैं भूल गया, मैं वो ला के आपको दिखाता हूँ परिंदे। ये चाबियाँ मैंने ले ली हैं, ओले ये मेरे पाँव में ही रहेगा, ये पीछे पीछे आता है मेरे इसका दिल करता है मेरे साथ खेलने का। ओए मेरे पास टाइम नहीं है तेरे साथ खेलने का, बाद में खेलेंगे। मैंने कहा आपको रास्ता भी दिखा दूं। तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन समझ लें, समझ लेना कि अभी इसका काम होने वाला है। ये है जी हमारा जो भी कह लें, मिनी फार्म कह लें, फार्म कह लें या कुछ भी कह लें। तो ये जी चाबियाँ आ गई, ये देखें ये मेरे पीछे पीछे ही आया, बैठ जाए इधर ही। ये है जी की हालत थोड़ी रफ सी है, तो ये है जी कबूतर, ये घूम रहे हैं। ये मैं 2 लेके आया था फैसलाबाद से, तो ये बढ़ते बढ़ते काफ़ी हो गए, अभी तो मैंने काफ़ी दोस्तों वगैरह को भी दे दिए हैं इनमें से, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और इसमें है मेरे लव बर्ड्स,
धूप पता नहीं मिल जाएगी कि नहीं, पिछले जन्मों के बैठे हैं वो आपको नज़र आ गया भाई, येलो है कॉमन जिसे कहते हैं लुटीनो, ये एक फिशर का पेयर है, ये भी अंडों पे आएंगे। ये मेरा एक मैगपाई पाउडर का बड़ा एग्रेसिव है, पहली दफ़ा इन्होंने अंडे दिए मेरे पास, बहुत अच्छा पेयर है। और ये एक पेयर है अरेबिक फ्लावर का, ये भी एग्रेसिव हुआ हुआ है कि अंडों पर बैठे हैं। और ये हैं जी शिराजी के बच्चे, शिराजी का आपको पता होगा शिराजी कौन से होते हैं, एक मैं दिखाता हूँ, हाँ 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 हाँ, एक वो शिराजी और इनके माँ बाप के बारे शिट, मुझे वो ठूटा लगा दोस्तों तो ये पानी गिर गया, कोई बात नहीं कह रहा। और हाँ वो है इनके माँ बाप, ये बाप है और ये माँ है इन बच्चों की। इनका कलर आपको आपने देखा होगा माँ बाप का, ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है, ये बहुत प्यारे कलर के निकले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जी बहुत प्यारा कलर निकला है इनका, एक साइड से वाइट है और एक साइड से ब्लैक है, इसका भी ऐसी है एक साइड से ब्लैक और इस बाकी सारे वाइट। इनको तंग नहीं करते ज़्यादा, इनको वापस रख देते हैं, जाओ जी वापस। और ये हैं जी हमारे अमेरिकन फैंटेल, ये भी अंडों पे बैठी हुई है, फीमेल है, इसका मेल, ये है इसका मेल, और ये है जी सेंटिनेंट, सिल्वर सेंटिनेंट या ब्लू सेंटिनेंट भी नहीं कहते, ये भी अंडे पे बैठे हुए हैं। और इसका मेल किधर है, ये भी हाँ फीमेल है, ये इसका मेल वो ऊपर बैठा हुआ है, खाते हैं। ये है जी फ्री बैक, ये मैं पेयर लेके आया था लेकिन ना बदकिस्मती से ये दोनों मेल निकले, अभी जिनसे लिए थे उन भाई से बात हुई है मेरी कि ये मुझे चेंज करके देंगे, एक मेल लेके तो एक फीमेल मुझे दे देंगे, या फिर ये दोनों दे के मैं उनसे एक पेयर ले लूँगा। और ये है जी ऑस्ट्रेलियन पैरट्स, जो सबके पास तकरीबन होते हैं, इनके पास बहुत होते हैं। इधर एक पेयर था कॉकटेल का, वो शायद अंडों पर बैठे हुए, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये अंडों पर बैठा हुआ पेड़, इसको ज़्यादा तंग नहीं करते। ये था जी हमारा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें, ताकि मुझे भी हौसला मिले आपके लिए मैं नई नई वीडियोज़ बनाऊँ। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम कौन कौन से नए पेट्स लेके आएँ, बर्ड्स हों या एनिमल्स हों, और जगह मैंने आपको दिखाई है उस सारी जगह में हमने यही रखने हैं, पैट्स ही रखने हैं, और आपने बताना है कि कौन कौन से पैट्स लेके आएँ। तो अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। रात हो गई है बाहर और ये मैंने लाइट्स ऑन कर दी हैं, ये मैंने सारा सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी का है, लाइट्स ये मैंने खुद लगाई हैं, ये मुझे इलेक्ट्रीशियन भाई लगा के दे के गए थे, और बाकी ये मैंने सारी तारें खुद लगाई हैं। और चले इनको अब रेस्ट करने देते हैं, हम करते हैं इनको बंद।